व्हाट्सएप, फेसबुक और सारे सोशल मीडिया पे एक न्यूज वायरल किया जा रहा है रेलवे से रिलेटेड कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मुझे भी मिला था, जब मैंने प्रोसेस को चेक किया तो वहाँ वैसा कुछ नहीं मिला। तो चलिए आपसे डिस्कस कर देते हैं आपके सामने में, क्या सच है कि आप अपना ALP का एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं या फिर गलत है। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं माँ ऑनेस्टल। चलिए आपको डिटेल में जानकारी देते हैं। कोई भी रेलवे जोन में आपको एंट्री कर लेना है, मतलब वेबसाइट पे जाना होगा। जैसा कि मैं रांची की होम वेबसाइट पे हूँ, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक हियर फॉर हेल्प डेस्क। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन हो जाता है। इसमें फर्स्ट लिंक पर फिर से आपको क्लिक करना होगा हेल्प डेस्क पर, और यहाँ पर आपको यूज़र आई डी और पासवर्ड मांगा जाता है। तो यूज़र आई डी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो फिल कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ फिल करके दिखा देता हूँ इस ये का। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, एक नया विंडो ओपन हो जाता है जो कि इस तरह से कुछ दिखेगा। देख लीजिए, बगल में देखेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, कैंडिडेट डिटेल का और दूसरा हेल्प डेस्क का। कैंडिडेट डिटेल के नीचे आपका पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और फादर नेम मेंशन होगा। टोटल तीन चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। और जैसे ही आप हेल्प डेस्क पे क्लिक करेंगे, नया इंटरफेस ओपन हो जाता है जहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे क्लिक हियर टू रेज न्यू क्यूरी। मतलब अगर आपको कोई परेशानी होगा, कुछ पूछना चाहते हैं आप रेलवे डिपार्टमेंट से, तो यहाँ पे एक क्यूरी रेज कर सकते हैं और आप अपना क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं, फिर आपको वो रिप्लाई करते हैं। तो चलिए मैं देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन इसमें दिया जाता है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। वेट कर लीजिए कुछ थोड़ा सा। मेरा मेन पर्पज़ है आपको दिखाना है कि क्या एग्ज़ाम सेंटर आप चेंज कर सकते हैं या नहीं। फर्स्ट में देखेंगे प्रॉब्लम कैटेगरी है, आपको प्रॉब्लम कैटेगरी चूज करना होगा। फिर प्रॉब्लम टाइप चूज करना, ये याद रखिए कि दोनों में कुछ लिख नहीं सकते हैं, आपको सेलेक्ट ही करना होगा। लिखने का काम होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो चलिए मैं देख लेते हैं कि दोनों जो सेलेक्ट के उसमें क्या क्या है। प्रॉब्लम कैटेगरी में क्लिक करते हैं, दो चीज़ आपको मिल रहा है, एग्जाम सिटी इंटीमेशन एडवाइस और एनी अदर क्यूरी। पहले चलते हैं एग्जाम सिटी इंटीमेशन एडवाइस पर, इस पर क्लिक किए। अब प्रॉब्लम टाइप में देखेंगे, आपको हम जूम करके दिखा देते हैं कि क्या कोई भी ऐसा ऑप्शन है जो एग्ज़ाम सिटी को चेंज करने के लिए करके दिया गया है। अब देख लीजिए, कैंडिडेट नेम इज इनकरेक्ट इन द एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन एडवाइस। अगर आपका नाम गलत है तो आप इसको रेज कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर इनकरेक्ट है तो इसको सेकेंड वाला को रेज कर सकते हैं। फोटो मिसमैच है, इनकरेक्ट है, इसको रेज कर सकते हैं। अब अगर फी ट्रेन पास जो मिलता है SC ST को, अगर वो नहीं मिल पाया आपको तो इसमें रेज कर सकते हैं। नॉट एबल टू डाउनलोड माई एग्जाम सिटी इंटीमेशन एडवाइस, अगर आपको कौन सा सिटी में एग्जाम होने वाला वो नहीं डाउनलोड हो रहा है तो अब इसको रेज कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर डिटेल यार नॉट प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन सिटी, मतलब ऐसा सिटी में जगह दे रही जहाँ पर आपको उसका एड्रेस ही नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आप इसको रेज कर सकते हैं। और आगे देखेंगे, बताइए व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई ब्रिंग टू द टेस्ट सेंटर, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना चाहिए। तो अगर इसको जानकारी लेना होगा तो आपको नीचे वाला सेलेक्ट करना है। लेकिन कहीं भी ये नहीं आपको मेंशन किया गया है कि आप एग्ज़ाम सेंटर को चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, दिखा देता हूँ। एक PDF में ओपन कर ले रहा हूँ, आप देख सकते हो ये वायरल किया जा रहा है मैसेज का, स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। ये एक्चुअली अपना वेबसाइट को फेमस करने का एक तरीका है, यहाँ पे देख सकते हैं किया गया। चलिए आपको दिखा लेते हैं, ये इंटरफेस सिमिलर है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाला गया था और हेल्प डेस्क नंबर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जाकर अपने हेल्प डेस्क पे क्लिक कीजिएगा जो कि मैंने आपको बताया, और रेज क्यूरी पे क्लिक करना वहाँ भी सही है। इन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम टाइप बताया गया, एग्जाम सेंटर इंटीमेशन एडवाइस, यहाँ तक सही है। उसके बाद जैसे सातवां नंबर पर जाएंगे आपको कुछ नहीं बताएगा, डायरेक्ट आपको दे दिया ग्रीवरेंस डिटेल में जो कि एकदम गलत है। अब देखेंगे यहाँ पर गौर करके, प्रॉब्लम कैटेगरी एग्जामिनेशन डिटेल रिलेटेड, क्या ये कहीं है मेंशन, आपको लाइव दिखा देता हूँ मैं। चलिए दोनों तरफ कंपेयर कर रहा हूँ, अब देख लीजिए एडवाइस में आ गए, प्रॉब्लम टाइप में कहीं भी वो चीज़ मेंशन नहीं, इसका मतलब ये एडिटेड है। गौर कीजिएगा यहाँ पे प्रॉब्लम टाइप को देखिए, आप यहाँ प्रॉब्लम टाइप पे क्या लिखा हुआ गौर से देखिएगा, टेस्ट सिटी इज फार फ्रॉम माई सिटी, कैन आई गेट माई टेस्ट सिटी चेंज टू माई सिटी, ये ऑप्शन कहीं है ही नहीं यहाँ पे। तो इन्होंने यह दिखाया कैसे, देख लीजिए कहीं भी नहीं, इसका मतलब उन्होंने एडिट करके दिखा दिया गया फेमस करने के लिए, क्योंकि जानते हैं कि इतने सारे लोग ने फॉर्म भरा है तो इनका वेबसाइट थोड़ा रैंक कर जाएगा, बस और कोई मोटो नहीं है उनका, जो कि गलत है। आप खुद सोच लीजिए, अगर टेस्ट सिटी अगर चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता तो फिर 3-4 महीने लग जाएगा उनको चेंज करने में। सारे लोग चाहेंगे कि मेरा सेंटर चेंज हो जाए, इसके अनुसार से क्या होगा कि उनको बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। मेरे अनुसार से
बाकी दूसरा भी चेंज करके दिखा देते हैं। एनी अदर क्यूरी में जाएंगे तो एनी अदर क्यूरी सेलेक्ट करके आप यहाँ लिख सकते हैं कि मेरा एग्जामिनेशन सेंटर दूर है, मैं क्या इसे नज़दीक किया जा सकता है, तो उस पर वो रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल से क्यूरी रेज करने के लिए नहीं दिया गया जैसा कि इन्होंने दिखाया गया है ये सारे चीज़ें, चूँकि यहाँ इन्होंने सेलेक्ट किया है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, देख सकते हैं एग्जाम सिटी इंटीमेशन एडवाइस जो कि नहीं है। तो मेरा आपका काम था कि सच्चाई बताने का, मैंने आपको बता दिया एकदम गलत है, आप खुद से सोच सकते हैं, इस पे नहीं फंसना है आपको, शेयर भी नहीं करने सारे अफवाहों को, ये जरूर आपको व्हाट्सएप में गया होगा, देख लीजिएगा। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।